हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक्स मैथ की। बेसिक मैथ मैं स्टार्ट करूंगा भागा से, जानेंगे जांच करना, उसके बाद हम लोग सीखेंगे एलसीएम, जो बहुत ही बेसिक चीज़ है, हम लोग उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं बेसिक्स मैथ के बारे में। हम लोग बेसिक मैथ की बात करते हैं, यानी मैं भागा से स्टार्ट करूँगा, भागा सीखेंगे और भागा को जांच करना सीखेंगे। उसके बाद मैं इसमें फोकस करूंगा कि भागा को हम लोग जांच कैसे करेंगे। उसके बाद जो फिर आगे का प्रोसेस होगा, फिर हम लोग उसको करेंगे। भागा के बाद भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा, गुना, भागा और जो बाकी है उसके बाद बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको बनाता हूँ, आठतिया 24, 5 में 4 चला गया 1। तो इस भागा को हमें जांच करना है कि ये मेरा सही है या गलत है, हम इसको किस तरह से जांच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो 8 है इस जगह को क्या कहते हैं, ये 25 है इस जगह को क्या कहते हैं, ये 3 है इस जगह को क्या कहते हैं, और यहाँ पे 1 है इस जगह को क्या कहते हैं। तो इस चीज़ को जानेंगे, ये यहाँ पर जो 8 है हम इसको भाजक बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, और यहाँ पर 25 है इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, और जहाँ पर 3 है इसको हम लोग भागफल कहते हैं, और जहाँ पर 1 है इसको हम लोग शेष या शेषफल, शेष या शेषफल कहते हैं। और 8 के जगह पे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 9, 10, 11, 12, 1, लेकिन इस जगह को हम लोग भाजक कहेंगे। 8 के जगह में कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी, और 25 के जगह में भी कुछ भी हो सकता है, या 25 है तो 30 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 305 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, लेकिन इस जगह को हम लोग भाज्य कहेंगे। और ये जहाँ पर 3 है इसको भागफल कहेंगे, और भागफल भी कुछ भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, 3 के अलावा और भी कुछ हो सकता है। अगर ये सिर्फ ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, तो भागफल भी चेंज होगा, और जो बचा लास्ट में, आखिर में जो बचेगा उसको हम लोग शेष या शेषफल कहेंगे। तो इस भागा को हम लोग जांच करने की कोशिश करेंगे। जांच इसको कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, हमको इसको जाँच करना है। ये 25 सब कुछ जोड़ घटा करके गुना करके अगर मेरा 25 अगर आ जाता है तो समझेंगे कि हिसाब मेरा सही है, वरना हिसाब गलत है। तो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, और जोड़ शेष जो बचा है शेष, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसी के बेसिस पर हम लोग इसको जांच करेंगे। इसका और एक फॉर्मूला होता है, उसको भी बताएंगे, लेकिन पहले इसको हम लोग पहले इसको जानते हैं। पहले हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष से जांच करेंगे कि मेरा इतना आता है कि नहीं आता है। जिसको जांच करना होता है उसको हम लोग लेफ्ट की तरफ लिखते हैं, बाएं तरफ लिखते हैं। तो भाजक मेरा कितना है, यहाँ पर 8 है तो 8 लिख देंगे, गुना भागफल मेरा कितना है, 3 है तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, उसके बाद प्लस है तो प्लस के बाद क्या है, शेष है, तो शेष मेरा कितना है, 1 है। इसको गुना करेंगे, 8 तिया 24, और इसको ऐड कर देंगे, 8 तिया 24 और 1 25, इसका मतलब क्या हुआ, ये हिसाब मेरा सही है। ये तो एक पहला फॉर्मूला हो गया, और दूसरा फॉर्मूला पे हम लोग जाते हैं। इस चीज़ को हम लोग समझ लीजिए, पहली बार भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये फॉर्मूला, इसको रटिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इसको याद रखिएगा। इसको याद रखने से कोई भी मैथ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया, इस जगह को भाजक कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं, इसको भागफल, इसको शेष या शेषफल। तो हमने पहले भाज्य जांच किया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो भाजक मेरा 8 गुणा, तो गुणा कर दिया गुणा, उसके बाद भागफल, भागफल मेरा 3 है तो 3 की जगह पे 3 दे दिए है, उसके बाद क्या है, प्लस शेष, तो शेष मेरा कितना है, 1,
तो 8 × 3 = 1, तो 8 × 3 = 24 और 1 = 25। ये जांच करने का एक पहला फॉर्मूला था। अब मैं फिर दूसरा फॉर्मूला पे जा रहा हूँ।